वेलकम स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो है रीडर बुक बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर द काबुली वाला, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, वी ऑल नो वेरी वेल अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर। ही वाज अ राइटर, अ पोइट, अ सिंगर, अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, अ नॉवलिस्ट, अ एसिस्ट। उन्होंने नॉवल प्राइज़ मिलिया सी उन्होंने एक पुस्तक बुक गीतांजलि लई, गीतांजलि पोएम ऑफ कलैक्शन सी, पोएट्री सी उहदे विच, उन्होंने उहदे लई अवार्ड मिलिया सी। ठीक है, नॉवल प्राइज़ हाईएस्ट प्राइज़ अवार्ड सी। ठीक है, उन्होंने एक स्टोरी लिखी है काबुली वाला, एक शॉर्ट स्टोरी है। इस स्टोरी आप स्टार्ट करन जा रहे हैं। इस स्टोरी दे विच जो मेन करैक्टर है वो है रहमान एंड मिनी। ठीक है, दो मेन करैक्टर ने इस स्टोरी दे, रहमान एंड मिनी। समरी है स्टोरी दी, द नरेटर हैड अ स्मॉल डॉटर मिनी। नरेटर मीन्स जो इस स्टोरी नू नरेट कर रहे हैं, जिसे पॉइंट ऑफ व्यू नाल इस स्टोरी नू लिखा गया है। और इस स्टोरी दे विच मिनी ना दे करैक्टर का फादर भी है। कहिंदे नरेटर दी एक छोटी जी बेटी मिनी सी, शी वॉज 5 ईयर्स ओल्ड, 5 साल दी सी। शी वॉज अनयूजली टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बोलन वाली। इट वॉज अननैचुरल टू सी हर क्वाइट, मुश्किल नाल ही कदे उन्हू चुप वेख्या जा सकता सी। वन डे शी लुकड आउट ऑफ द विंडो, एक दिन उन्हें मतलब खिड़की तो बाहर देखा अपने घर दी, एंड सा ए काबुली वाला इन द स्ट्रीट। काबुली वाला की होंगे ने बेटा, पठान होंगे ने, अफगानिस्तान के रहन वाले। ठीक है, और उन्हें गली दे विच काबुली वाले नू देखिया। शी स्टार्टड शाउटिंग, अ काबुली वाला, अ काबुली वाला। द काबुली वाला हर्ड हर वॉयस एंड केम इन, जो उन्हें उसकी आवाज़ सुनी काबुली वाले ने तो वो घर आया। बट एज सून एज द काबुली वाला केम इन, मिनी रश्ड टू हर मदर इन ग्रेट फियर, पर ज्यों ही वो नेड़े आया मिनी डर दे मारे अपनी माँ दे कोल चली गई। इट वॉज बिलीव्ड दैट द काबुली वाला यूज टू किडनैप चिल्ड्रन, क्योंकि यह मनिया जाता सी कि जो काबुली वाला होंगे ने बच्चों किडनैप कर लेंगे। द नरेटर वॉन्टड मिनी टू गैट रिड ऑफ हर फॉल्स फीयर, लेकिन जो दे फादर से वो चाहते थे कि उन्होंने इस झूठ तो छुटकारा मिले, इस झूठे डर तो। सो ही कॉल्ड हर बैक, इसलिए उन्होंने मिनी नू काबुली वाला को बुलाया। वैन शी केम हैजिटिंगली, जदों हिचकी चाहते हुए आई, द काबुली वाला ऑफर्ड हर सम नट्स एंड ड्राइड फ्रूट्स, तो उन्हें उन्होंने कुछ अखरोट और कुछ ड्राई फ्रूट्स ऑफर किए। बट शी वॉज नॉट टैम्पटड, पर उन्होंने कोई लालच नहीं सी उन्हों का। एंड इनस्टैड कैप्ट क्लिंगिंग टू हर फादर, इसके बजाय वो अपने फादर के नाल ही चिपकी रही। दिस वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग, ये उन्होंने दोनों की यानी कि काबुली वाला तो मिनी की पहली मीटिंग सी। बट अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, द नरेटर फाउंड दैट द मिनी सॉरी दैट मिनी वॉज सीटिंग नियर द डोर, कि मिनी अपने दरवाजे को बैठी है, लाफिंग एंड टॉकिंग विद द काबुली वाला। ठीक है, और वो गल कर रही है हस के। द काबुली वाला हैड गिवन हर सम नट्स एंड फ्रूट्स, द नरेटर गेव हिम एन 8 आना पीस। नरेटर ने उदी ड्राई फ्रूट्स की उन्होंने जो प्राइस से पे की 8 आना। ही एक्सैप्टड द मनी बट लेटर गिव इट टू मिनी, फादर तो लैके उन्हें उसकी बेटी मिनी नू देते। अ रिपीटड जोक बिटवीन दैम वुड बी अबाउट द फादर इन लॉस हाउस, एक जोक सी उन्होंने जो बार बार डेली रिपीट करते ससुराल फादर इन लॉस हाउस बारे। इट हैड अ डबल मीनिंग, यदा डबल मीनिंग होंगे फॉर मिनी, इट मीन्ड गोइंग टू हर हसबेंड्स हाउस आफ्टर मैरिज। मिनी लई तो यदा मतलब सी विआह तो बाद अपने हसबेंड के घर जाना, बट फॉर द काबुली वाला इट मीन्ड प्रिजन, पर उदे लिए यदा मतलब सी जेल, वेयर वन वॉज लुकड आफ्टर विदाउट हैविंग टू पे, जिथे बिना पे किते किसी का बहुत ध्यान रखा जाता है। इन दिस वे द डेज वेंट बाय, इस तरह दिन बीतते गए। मिनीज मदर वॉज अफ्रेड, मिनी की माँ काफ़ी डरी हुई सी। बट द नरेटर डिड नॉट डिसकरेज द काबली वाला फ्रॉम कमिंग टू हिज हाउस, पर उन्होंने उन्होंने कदे भी मना नहीं किया अपने घर आने तो। द काबली वाला रहमान नाम है वह, वॉज आल्सो अ पिटी मनी लैंडर,
ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਵਨ ਡੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟਡ ਕੁਆਰਲਿੰਗ ਵਿਦ ਦਾ ਮੈਨ ਹੂ ਓਨਡ ਹਿਮ ਸਮ ਮਨੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦ ਮੈਨ ਡਿਨਾਈਡ ਓਇੰਗ ਹਿਮ ਐਨੀ ਮਨੀ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਪਸ। ਦ ਕਾਬਲੀ ਵਾਲਾ ਲੋਸਟ ਇਜ਼ ਟੈਂਪਰ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਐਂਡ ਸਟੈਬਡ ਹਿਮ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰਤਾ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅਰੈਸਟਡ ਐਂਡ ਸੈਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਫੋਰ ਸੈਵਰਲ ਈਅਰਸ। ਕਾਬਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮਿਨੀ ਗਰੂ ਅਪ ਇਨ ਟੂ ਆ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਮੈਡਨ। ਮਿਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਦ ਡੇ ਆਫ ਹਰ ਮੈਰਿਜ ਵਾਜ਼ ਫਿਕਸਡ। ਔਨ ਦ ਡੇ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਦ ਕਾਬਲੀ ਵਾਲਾ ਕੇਮ ਟੂ ਦ ਨਰੇਟਰਸ ਹਾਊਸ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਿਨੀ ਦੇ ਕਾਬਲੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਦ ਨਰੇਟਰ ਡਿਡ ਨੋਟ ਵਾਂਟ ਹਿਮ ਟੂ ਸੀ ਮਿਨੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਬਟ ਦੈਨ ਹੀ ਟੁੱਕ ਆਊਟ ਅ ਪ੍ਰਿੰਟ ਫਰੋਮ ਹਿਸ ਪੋਕਿਟ ਐਂਡ ਸ਼ੋਡ ਇਟ ਟੂ ਦ ਨਰੇਟਰ। ਫਿਰ ਕਾਬਲੀ ਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪੇਪਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਰੇਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਫ ਹਰ ਡੋਟਰਸ ਹੈਂਡ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਲੀ ਵਾਲਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਨ। ਇਟ ਬਿਕੇਮ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਦ ਨਰੇਟਰ ਦੈਟ ਦ ਕਾਬਲੀ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਸੀ ਮਿਨੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਦੈਨ ਆਫ ਦ ਸੇਮ ਏਜ ਐਜ਼ ਹਿਜ਼ ਡੋਟਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਨੀ ਦੀ ਹੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਦ ਨਰੇਟਰ ਬ੍ਰਸ਼ਡ ਅਸਾਈਡ ਆਲ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕੋਲਡ ਫੋਰ ਮਿਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਕੇ ਮਿਨੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੀ ਦੈਨ ਅ ਸ਼ਾਈ ਮੈਡਮ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਯੁਵਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਨੋਟ ਈਵਨ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਦ ਕਾਬੁਲੀ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਫਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਦ ਕਾਬਲੀ ਵਾਲਾ ਵਾਜ਼ ਡਿਸਹਰਟਨਡ। ਕਾਬਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਦ ਨਰੇਟਰ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹਿਸ ਫੀਲਿੰਗਸ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਦਰ। ਨਰੇਟਰ ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੀ ਗੇਵ ਹੀਮ ਅ 100 ਰੁਪੀ ਨੋਟ ਸੋ ਦੈਟ ਹੀ ਕੁਡ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਹਿਸ ਹੋਮ ਇਨ ਕਾਬੁਲ ਐਂਡ ਮੀਟ ਹਿਸ ਡੋਟਰ। ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਬੁਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਦ ਨਰੇਟਰ ਐਜ਼ ਫਾਦਰ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਦ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਫ ਹਿਸ ਦਿਸ ਪੂਅਰ ਐਂਡ ਇਲੀਟਰੇਟ ਮੈਨ ਫਰੋਮ ਕਾਬੁਲ ਐਂਡ ਹੈਲਪਡ ਹਿਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰੇਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਦ ਸਟੋਰੀ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਟਚਿੰਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਜੋ ਦ ਕਾਬੁਲੀ ਵਾਲਾ ਰਿਟਨ ਬਾਏ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ। ਉਹਦੀ ਸਮਰੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਸ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।